वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुए डॉन सीरीज़ के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूँगा। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 शुरू होता है 1994 के एक सीन से, जहाँ डॉम अभी छोटा है। डॉम के घर की चाबी गायब हो गई है, जिसके बाद उनके डोर के लॉक को खोलने के लिए एक लॉक वाला आता है। डॉम उसी से लॉक खोलना सीखता है, जिसके बाद डॉम लीको के साथ एक कार का लॉक ओपन करता है और वो उस कार को चुरा के घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उनको देख लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर विक्टर डॉम को छुड़ाने के लिए आता है और वहाँ पर वो डॉम को समझाता है कि क्रिमिनल्स और नॉर्मल लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। वो जेल के अंदर ले जा करके डॉम को क्रिमिनल्स को दिखाता है और समझाता है कि क्राइम करने के बाद ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है। फिर हमें प्रेजेंट यानी 1999 का एक सीन दिखाई देता है। डॉम विक्टर से मिलने के लिए उसके घर आता है। विक्टर डॉम को देख करके बहुत खुश होता है। फिर डॉम विक्टर को एक लैपटॉप गिफ्ट देता है, जिसे देख करके विक्टर समझ जाता है कि डॉम अब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका है। और उसके बाद वो डॉम पर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन डॉम नहीं समझता है। गुस्से में वो डॉम को घर से बाहर निकाल देता है। फिर हमें फ्लैशबैक यानी 1970 का एक सीन दिखाई देता है, जहां विक्टर रिबेरो के आदमियों के साथ बैठ करके बियर पी रहा होता है। तभी जेल से छूट करके रिबेरो वहां पे आ जाता है। विक्टर को देख करके रिबेरो अपने आदमियों से पूछता है कि ये कौन है। रिबेरो के आदमी बताते हैं कि ये एक अच्छा लड़का है और हमेशा यहाँ आया करता है। रिबेरो अपने आदमियों से विक्टर की तलाशी लेने को कहता है, जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर रिबेरो वहाँ के लोगों से कहता है कि आज सब पार्टी करेंगे, क्योंकि आज रिबेरो वापस लौट करके आया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में गन रहती है, जिसको देख करके विक्टर को लगता है कि वो रिबेरो को मारने के लिए आया है। विक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो रिबेरो का साला है और वो गन रिबेरो को गिफ्ट देने के लिए लाया था। इस तरह विक्टर की दोस्ती रिबेरो से भी हो जाती है। विक्टर फावेला से बाहर निकल करके एरकांजो को कॉल करके बताता है कि रिबेरो वापस आ गया है। नेक्स्ट डे विक्टर फिर फावेला जाता है। रिबेरो विक्टर को एक ड्रग्स का पैकेट देता है डिलीवर करने के लिए। रिबेरो का भरोसा जीतने के लिए विक्टर ये करता है। विक्टर उस ड्रग्स के पैकेट को अपने बैग में रख करके फावेला से बाहर निकलता है, लेकिन फावेला के बाहर ही पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं और उसके बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें वो ड्रग का पैकेट मिल जाता है। लेकिन वो पुलिस वाले विक्टर को छोड़ देते हैं और विक्टर से कहते हैं कि हमसे बचना सीखो, जिससे विक्टर को पता चलता है कि पुलिस वाले भी रिबेरो के साथ मिले हुए हैं। फिर हमें प्रेजेंट यानी 1999 का एक सीन दिखाई देता है। डॉम अपसेट रहता है क्योंकि विक्टर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन जैस्मिन उसे कंसोल करती है और उसको समझाती है, जिसके बाद वो लोग पार्टी करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जनरल से मिलने के लिए जाता है। जनरल क्रूज विक्टर को एक पोकर गेम के लिए इनवाइट करता है, जो आज रात होने वाला था। डॉम एक नई चोरी की प्लानिंग करता है। वो एक लड़की से मिलता है जो किसी डॉक्टर रेनाटो के लिए काम करती है, और वो बताती है कि डॉक्टर रेनाटो किसी काम के लिए पेरिस गए हुए हैं और उनके घर में बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी हैं। वो उस लड़की से डॉक्टर रेनाटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी पूछता है। फिर वो लोग उस बिल्डिंग में चोरी करने के लिए जाते हैं। डॉम और उसकी पूरी गैंग उस बिल्डिंग में चोरी करने के लिए पहुंचती है, जहां पे सिक्योरिटी गार्ड लेजेंसन उनको रोक देता है। और डॉम फिर अपना दिमाग लगाता है। वो बाहर निकल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, कैसे हो लेजेंसन? मैं डॉक्टर रेनाटो का भतीजा हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। जिस पे सिक्योरिटी गार्ड लेजेंसन कहता है कि उसे याद नहीं है। डॉम कहता है, कैसे याद होगा, तब वो छोटा था। लेजेंसन बोलता है कि डॉक्टर रेनाटो घर पे नहीं है, जिस पे डॉम बोलता है कि हाँ, वो कैसे होंगे, वो तो पेरिस गए हुए हैं, लेकिन वो अपने घर की चाबी मुझको दे करके गए हुए हैं, तुम गेट खोल सकते हो। डॉम की इन बातों से सिक्योरिटी गार्ड लेजेंसन कन्विंस हो जाता है और वो गेट खोल देता है। डॉम और उसकी पूरी टीम पार्किंग में पहुंचती है। लीको ड्रग्स के नशे के वजह से थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। फिर वो लोग उस फ्लैट में चोरी करने के लिए जाते हैं। लीको वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम देख करके उसको ऑन कर देता है और डांस करने लगता है, क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में रहता है। दूसरी तरफ विक्टर जनरल के घर पोकर खेलने के लिए जाता है और टॉयलेट जाने के बहाने अंदर जा करके जांच पड़ताल करता है, और उसे कई सारे बॉक्स मिलते हैं जिसमें वेपन्स भरे हुए हैं।
लाउड म्यूजिक की वजह से डॉक्टर रनाटो के पड़ोसी सिक्योरिटी गार्ड को कंप्लेन करते हैं, जिससे सिक्योरिटी गार्ड लेजेंशन ऊपर डॉक्टर रनाटो के फ्लैट के बाहर पहुंचता है। तभी डॉम लीको को देख लेता है और म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है और लीको को डांटता है कि इतना तेज म्यूजिक क्यों बजा रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड लेजेंशन बेल बजाता है, डॉम डोर ओपन करता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो लेजेंशन से कहता है कि हाँ मैंने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया है, जिस पे लेजेंशन वापस जाने वाला ही रहता है, लेकिन लीको की लापरवाही के वजह से लेजेंशन लीको को देख लेता है, जिससे लेजेंशन को शक हो जाता है क्योंकि डॉम और विवियन के अलावा बाकी लोग गाड़ी में छुप करके अंदर आए थे। लीको गन निकाल लेता है और सिक्योरिटी गार्ड को मारने की धमकी देता है। डॉम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डॉम कहता है कि वो इस सिचुएशन को संभाल लेगा, लेकिन ड्रग्स के नशे के वजह से लीको आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। लीको गन के निचले हिस्से से सिक्योरिटी गार्ड के सिर पे मार देता है। एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।